बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है, अपना बेटा बेटी की शादी निपट इसी भाव से बोल रहे हैं जगत बाबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। उपेंद्र कुशवाहा का जगदानंद सिंह को लेकर बड़ा बयान। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जगदानंद सिंह बुजुर्ग हैं और बहुत जल्दबाजी में हैं। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा को सुनिए, आखिर उपेंद्र कुशवाहा ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उस पर तो हमने अपनी बात कह दी, इतने गांव में नहीं देखते हैं। कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो जाता है तो कई तरह की आशंका उसके मन में आते रहती है और उसी आशंका को ध्यान में रखते हुए चाहता है कि जल्दी से जल्दी अपना बेटा बेटी की शादी निपट लें। उसी भाव से बोल रहे हैं जगत बाबू, इसलिए उसमें कोई ऐसा नहीं है जिस पर कोई बहुत प्रतिक्रिया देने की जरूरत है, बोलने की जरूरत है। उसका अर्थ सिर्फ इतना ही। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये डील पहले ही हो चुका है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं। भाजपा के लोग क्या बोल रहे हैं उससे क्या मतलब है, यह मामला भाजपा से संबंधित है ही नहीं। सर, लेकिन इस तरीके का बयान, पहले आश्रम भेजने की बात, अब एक साल पहले ही उनके कार्यकाल खत्म करने की बात, ये क्या जेडीयू और राजद के बीच आपसे मतभेद दिख रहा है क्या? नहीं, बयानबाजी चल रहा है। नहीं भैया, बयानबाजी हमने कहा कि अलग भाव है इसका। इस बयान को बहुत आप उस रूप में व्याख्या कीजिएगा मतभेद की तरह, तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सहज है और सहज है नहीं, आगे भी रहेगा। और कभी भी कुछ भी निर्णय लेना होगा तो नीतीश कुमार जी सक्षम हैं, इसलिए इसको उस नज़र से व्याख्या करने की जरूरत नहीं। सर, एक सवाल है जो सभी कोई जानना चाह रहे हैं, बिहार की जनता और मीडिया भी, कि 2024 तक नीतीश कुमार रहेंगे या 2025 तक, जो मैंडेट उन्हें इस बार आप लोग सरकार बनाए हैं 2025 तक कार्यकाल पूरा करेंगे या बीच में? आपका सवाल भी बिल्कुल अप्रासंगिक है, यह सवाल भी अप्रासंगिक है, अब इसका क्या जवाब देना? यानी 24 में चले जाने की तैयारी तो कहा कि रिलेवेंट सवाल है, इस सवाल का आज की तारीख में कोई अर्थ ही नहीं है, तो फिर इसका जवाब देना क्या मतलब? फ्यूचर क्या होगा सर? फ्यूचर तो विपक्ष को एक करके भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बनाना है और बनेगा हिंदुस्तान भाजपा मुक्त, यही फ्यूचर है। ठीक, बिहटा में कल गोलीबारी हुई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अब कह रहे हैं कि एक तरफ जहां एसपी और डीएम से बात करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ गोली चल रही है। गोली चल रही है, देखिए वहां तो विवाद कुछ ऐसा रहता ही है जिसके चलते गोली चली होगी, लेकिन सच में क्या है, क्या फैक्ट है, नहीं है, प्रशासन के लोग हैं वहाँ स्थानीय, सब लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं, उनको ज़्यादा पता होगा क्या है, तो उसके आधार पे यहाँ से बैठकर कोई टिप्पणी करना उसमें। कल के इन्वेस्टर मीट में उद्योगपतियों ने बिहार में सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है, सर क्या मान रहे हैं? अब ये तो उनको जो कोई भी है तो संबंधित जगह पे बात होती है, लोग पहुँचाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन किसी को भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का फैलाना चाहते हैं बिहार से बाहर। देखिए, तेजस्वी यादव को 2023 में सीएम बनाना है, जिसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जगदानंद सिंह बुजुर्ग हो चुके हैं और ऐसे में बहुत जल्दबाजी में हैं, और जब कोई बुजुर्ग होता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि घर में जो बेटा बेटी है उनकी शादी जल्दी कर निपटा दे। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।